हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप गांगली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि MySQL डेटाबेस में जो डेटा हम लोगों ने टेबल के अंदर स्टोर किया है उसको आपको जावा प्रोग्राम के द्वारा जो है रीड कैसे करना है और उसको आउटपुट में आपको कैसे दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जाम को जो ओपन करके रखा है उसमें मैंने MySQL को स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि MySQL के अंदर डेटाबेस के अंदर डेटा क्या मौजूद है। तो यहाँ पर phpMyAdmin ओपन हो गया है ये इस तरीके से, और फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है जावा अंडरस्कोर ट्यूटोरियल्स। ये हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। टेबल का नाम है यूजर्स, यूजर्स को हम लोग सेलेक्ट कर लिया। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल के अंदर ये डेटा मौजूद है। तो ये सारा डेटा जो है आज हम लोग जावा प्रोग्राम के द्वारा रीड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नेटबीन्स आईडी को ओपन करके रखा है। इसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, डेटाबेस नाम से एक क्लास बनाया, उसके अंदर मेरा ये मेन मेथड है और उसके अंदर कुछ कोड पहले से ही मौजूद है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कोड पहले से मौजूद है ये आपका डेटा से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का है और उसके बाद बस एस्टेब्लिश करने का ही कोड है। और अब हम लोग वो कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल मौजूद है उससे डेटा रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रिजल्ट सेट करके एक क्लास होता है उससे आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये हम लोगों ने रिजल्ट सेट लिख लिया और इससे हम लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट का नाम हम लोगों ने रख दिया आरएस, आप कुछ भी रख सकते हैं। इक्वल टू इसे हमें नल सेट कर देना, फिर आपको सेमी कॉलन लगा देना इस तरीके से। उसके बाद आपको एसक्यूएल की वो क्वेरी लिखनी है जिसकी मदद से जो है आप डेटा को जो है रीड करेंगे टेबल के अंदर से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होगा। वेरिएबल का नाम हम लोगों ने क्वेरी रख दिया, इक्वल टू लगाया हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेरी लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर्स टेबल में जितना भी डेटा है वो सब कुछ हमें रीड करना है। फिर मैंने कंट्रोल प्लस एस दबा के फाइल को सेव कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको जो ट्राई करके जो आपका जो ये ब्लॉक है उसके अंदर आपको आना है। यहाँ पर देखिए, डेटाबेस से कनेक्शन और कोड पहले से मौजूद है, स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट सेट क्लास का आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आरएस, फिर आपको लिखना है इक्वल टू और उसके बाद एसटीएम यानी कि स्टेटमेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका आपको नाम लिखना होगा। आपने यहाँ पे लिख दिया, डॉट लगाया, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट क्वेरी करके जो है एक मेथड है उसे आपको कॉल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक जो आपने इससे पहले की वीडियो में देखा, जब हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, इंसर्ट डेटा इंसर्ट किया, तो हम लोग वहां पर जो मेथड यूज कर रहे थे उसका नाम था एग्जीक्यूट। तो याद रखिएगा, अगर आप डेटाबेस में जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर वो राइट ऑपरेशन है या फिर अपडेट का ऑपरेशन है, डिलीट का ऑपरेशन है, क्रिएट का ऑपरेशन है, तो उस केस में आप एग्जीक्यूट वाले मेथड को जो है कॉल करेंगे। अगर आप डेटा को सिर्फ रीड कर रहे हैं, मतलब राइट का कोई भी काम नहीं है, तो उस केस में आपको एग्जीक्यूट क्वेरी वाले मेथड को कॉल करना। तो हम लोगों ने इसे कॉल कर लिया और इसके अंदर, इस मेथड के अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। आर्ग्यूमेंट क्या है, वही आपका जो वेरिएबल का नेम आपको लिखना है जिसमें आपने एसक्यूएल की क्वेरी को स्टोर किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर्स। फिर हम लोगों ने सेमी कॉलन लगा दिया। तो इस तरीके से जो होगा आपका ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा और जो भी डेटा होगा वो इस रिजल्ट सेट करके जो क्लास से आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें स्टोर हो जाएगा। अब हमें इससे जो है डेटा को रीड करना है, तो ये कैसे करते हैं वो आप देखते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको एक व्हाइल लूप बनाना होगा, पैरेंथेसिस लगाइए, इसके अंदर आपको आरएस यानी कि रिजल्ट सेट वाले क्लास का जो ऑब्जेक्ट उसका नाम लिखिए, फिर आपको नेक्स्ट करके एक मेथड है उसे आपको कॉल करना है, फिर आप जो है कर्ली ब्रैकेट लगाइए। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो जो भी टेबल के अंदर जो जो कॉलम मौजूद है उन सबका डेटा हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम करके लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ प्रिंटेड हम लोगों ने लिखा। सबसे पहले जो आईडी वाला कॉलम है उसमें जो वैल्यू मौजूद है वो दिखाना है। तो हम लोगों ने ये लिखा, आईडी कॉलम के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा आरएस डॉट और आईडी कॉलम में किस तरह का वैल्यू मौजूद है। तो मैं सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ कि टेबल में कौन कौन से कॉलम मौजूद है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एग्जाम को ओपन किया, शेल वाले बटन पर क्लिक किया, MySQL माइनस यू रूट माइनस पी स्पेस दिया मैंने, एंटर दबाया, यूज जो है यूज जावा अंडरस्कोर ट्यूटोरियल्स मैंने लिखा और उसके बाद टेबल का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देख लिया इस तरीके से, यूजर्स सेमी कॉल लगाया, ये आपका आ गया सब कुछ, ये आप देख सकते हैं। तो जो आईडी वाला कॉलम है उस पर कैसी वैल्यू मौजूद है, इंटीजर टाइप की। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर एस डॉट गेट, आपको जो है गेट इंट करके जो एक मेथड है उसे आपको कॉल करना है।
इसके अंदर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जो कि टेबल पर है। टेबल पे कॉलम का नाम क्या है? आईडी है, तो आप यहाँ पर आईडी लिख देंगे इस तरीके से, आईडी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसी वाले स्टेटमेंट को जो है कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, और एक बार, दो बार, और ये तीन, और ये चार बार मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें दूसरे वाले कॉलम की वैल्यू चाहिए। दूसरे वाला कॉलम का नेम क्या है? नेम है, और इसका डेटा टाइप कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसीलिए हम लोग को आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग वाले मेथड को कॉल करना होगा, और यहाँ पे आईडी की जगह जो है आपको कॉलम का नाम लिखना है जो कि नेम है। उसके बाद तीसरा वाला जो कॉलम है वो कौन सा है? सिटी का कॉलम है। कॉलम का नेम क्या है? सिटी। और आपका जो इसका डेटा टाइप है कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो आप क्या करेंगे, सेम वही गेट स्ट्रिंग करके जो मेथड है उसे कॉल करिए, और यहाँ पे कॉलम नेम लिखिए जो कि है सिटी। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर का कॉलम है उसका नाम है पासवर्ड। पासवर्ड जो आपका कॉलम है उसका डेटा टाइप कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग करके जो मेथड है उसे हम लोग कॉल कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया पासवर्ड लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला कॉलम है यानी कि फिफ्थ नंबर का कॉलम जिसका नाम है क्रिएटेड, और उसका जो डेटा टाइप है वो किस तरह का है? डेट टाइप का है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गेट डेट, आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है। कॉलम का नाम क्या है? क्रिएटेड ऑन। और ये जब कॉलम के नाम लिख रहे हैं इनकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब अगर गड़बड़ होगा तो फिर जो आपका आउटपुट नहीं आएगा। अब यहाँ पे आईडी की जगह हम लोग क्या करते हैं, नेम लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिटी लिख लिया, यहाँ पे हम लोगों ने जो है पासवर्ड लिख लिया, और डेट की जगह पे हम ये जो हम लोगों ने लिख लिया क्रिएटेड ऑन करके हम लोगों ने कॉलम बना लिया। और फिर एंड में जाके डॉटेड लाइन बना देते हैं। कॉपी किया मैंने इस तरीके से, और फिर यहाँ पर मैं गया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, और फिर एक और इसमें मैंने डॉटेड लाइन इस तरीके से जो है बना लिया। अब क्या होगा कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक इस रिजल्ट सेट वाला जो रिजल्ट सेट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें डेटा मौजूद होगा। मतलब इस रिजल्ट सेट में जितनी भी रोज मौजूद होंगी टेबल की, जैसे कि मान लीजिए टेबल में हमारे पास इस समय अगर चार रोज हैं, तो ये जो वाइल लूप है वो चार बार चलेगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो सेम वही काम करना है जिस तरीके से आपने कनेक्शन को क्लोज किया, स्टेटमेंट को आपने क्लोज किया, सेम उसी तरीके से रिजल्ट सेट को भी आपको क्लोज करना है इस तरीके से। तो आपने ये क्लोज कर दिया, आपका जो कोड है वो अब कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपको क्या करना है, आप ऊपर जाइए ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करिए, और उसके बाद देखेंगे कि आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पर जो आउटपुट वाला विंडो, इसमें सारा आउटपुट आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं टेबल में भी क्या डेटा मौजूद है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स एंटर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला जो रो है उसमें क्या डेटा मौजूद है, नेम है संदीप, सिटी है कानपुर, ये है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले रो पर क्या आ गया आपका, संदीप कानपुर, इस तरीके से आ गया। सेकेंड वाले रो पर जो डेटा मौजूद था वो आपका आउटपुट में आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड रो पर डेटा, और यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद जो था थर्ड रो में जो डेटा मौजूद था वो आपका आ गया, आप देख सकते हैं कि थर्ड रो में आपके पास क्या डेटा था, और यहाँ पर आपको वही डेटा आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपका जो फोर्थ रो में जो भी डेटा था वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आ गया। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे टेबल में जैसे फर्स्ट कॉलम आईडी था, सेकेंड कॉलम नेम था, फिर सिटी था, पासवर्ड था, उसी मैंने ऑर्डर में जो है वैल्यूज को एक्सेस किया। तो ऐसे जरूरी नहीं है, आप चाहे तो आईडी वाला जो वैल्यू आप एक्सेस कर रहे हैं उसको लास्ट में कर लीजिए, और क्रिएटेड ऑन वाले को फर्स्ट में कर लीजिए। तो वो वैल्यू को एक्सेस करने के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आपको इसी तरीके से करना होगा। फर्स्ट रो की जो फर्स्ट रो में जो भी कॉलम की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं, आपको आर को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिजल्ट सेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखिए, डॉट लगाइए, कॉलम पर जो वैल्यू मौजूद है उसका डेटा टाइप कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मेथड को कॉल करना है। इंटीजर है तो गेट इंट करेंगे, और आपका स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग करेंगे, और अगर आपका जो डेट टाइप का जो है तो आप गेट डेट करेंगे, और उसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर जो है आप ये जो कॉलम का नाम है वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको अपने टेबल से जो है डेटा को एक्सेस करना है, रीड करना, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।